Only four people are there. The nine new timing suit nikar along. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. پہلا دن ہے نئے ٹائم کے. جی ڈاکٹر عباس سے آپ کو سوٹ کر رہا ہے ٹائم؟ ڈاکٹر عباس سے سید صاحب میں ابھی ہاسپٹل میں ہی ہوں. अच्छा गाड़ी में बैठ के मैं मिस नहीं करना चाह रहा था तो इसीलिए मैंने शुरू कर लिया है. लेकिन ये है कि मैं ट्रैवल जल्दी है 6:30 थोड़ा जल्दी हो जा रहा है. नहीं लेकिन अब वो मगरिब के बाद करेंगे तो 8 बजे जाएगी फिर 8 से कोशिश होगी. अच्छा ये मैं समझता हूँ गाड़ी में ही शुरू कर लिया करूंगा हॉस्पिटल में ही शुरू कर लिया करूंगा इंशाल्लाह. थोड़ा दिन है थोड़ा सा और मगरिब आगे बढ़ेगी तो फिर हम क्लास मगरिब से ही करीब कर लेते हैं तो एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह. चलिए الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے سننے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے. ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے. ثابت خدمی عطا فرمائیے. قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے یہ نئے ٹائمنگس میں تو ابھی تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کئی حضرات کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں یا لیٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر میں رکھتا ہوں تو پھر وہ اٹ ول بی ٹو لیٹ. ابھی 8 بجے کروں گا پھر اور مغرب کا ٹائم بڑھتا جائے گا تو پھر اس کے بعد 8:30. تھوڑے دن انشاءاللہ جیسے جیسے مغرب بڑھتی جائے گی تو وی کین میک وی ول گو اپ ٹو 6:45 بائی نیکسٹ ویک اور سم تھنگ. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. چلیے وی ہیڈ کمپلیٹیڈ آیت نمبر 218 اور وہ سمپل تھی. اور یہاں پر ایک تین کتنے آیتوں کا ایک گروپ تھا. اور وٹ واز دا سینٹرل تھیم آف دوز آیت؟ یس کوئی ایک
अनुसार क्या था, कितने आयतों का ग्रुप था? जी वो 200 अभी 16 से 18 तक के जिहाद का था। 200। ये पहले तो हम एक पूरा बड़ा ग्रुप बनाए थे कि ये आते हैं, कहाँ तक चलेगी, जिसमें सारे अहकाम हैं। 203 से चलने वाली थी, उसके बाद 204 से 214, 214 तक तरबियती खुतबा वो हो गया था, था, 40 215 से 240 खुले अहकाम। है, 42 है, 215 से 242 तक, 40 तक लिखाए थे आप खुले अहकाम। 42 लिखा है सर, 215 से 242 तक ये सारे अहकाम चलेंगे। और इसमें से छोटे छोटे ग्रुप हैं, और मैं समझता हूँ दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक वो रब्त और उसका एक नोट आपके पास ना हो, कुरान में नोट करें या कहीं हो, कि दो दो एक आयत पूरी, किसी बहुत कम एक उनवान पे होती है, एक आयत भी होती है, लेकिन दो तीन चार कभी आठ। वह हज का तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, तो 215 वाली आयत क्या थी? इट वॉज इंडिपेंडेंट आया, और उसका जाके 219 में फिर उसका जी थोड़ा। उसका जो है खर्च के बारे में थी वो यस, इट वॉज अबाउट माजा यूनकी खून। इन्फाक के बारे में थी वो, इन्फाक। कुरान फहमी के लिए कभी भी ये आते हैं, या तो कहीं लिखी भी हो, या कुरान के हाशिए में भी आप लिख ले सकते हैं कि 215 इन्फाक के बारे में है। जब भी तिलावत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा समझने में मदद करेगा। उसके बाद तीन आयतों का एक ग्रुप था, इससे सिंगल आयत, और वो थी 216 से 218 तक, जिसमें कमेंट्री थी आखिर में 218 में। एंड दिस थ्री आयत्स वर अबाउट, इसमें दो बातें थी, एक तो जिहाद जिहाद के बारे में थी। और दूसरा शहरुल हराम में लड़ाई के बारे में थी। ठीक है, जी उससे बुरे काम कौन से थे जो कुरैश करते थे, उसका जिक्र था। यहाँ पर कंप्लीट हुआ गया। अब उसके बाद 219 हम अब कर रहे हैं, नहीं 218 हम कर रहे हैं, 18 17 तक ही थी। दिस वॉज टू 17 18, हाजिर वो जाहदू फी सबीलिल्लाह, नो 18 तक ही थी। दिस इज 219। अब ये 219 और उसके बाद 220, ये बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं। 219 ये किस बारे में है, जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसमें कौन तिलावत करेंगे इसकी? राखाजी, कैन यू रीड इट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी
वाइस्मुहुमा अकबरु गुड मिन इहिमा वयसअलूनका माजा युनफिकूना कुलिल अफवा कजालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाती लअल्लकुम तत्तफक्करून। गुड गुड, चलिए एक दो जगह कुछ था। एक बात मुझे बताइए कि जब से आप क्लास में आ रहे हैं, डू यू फील एनी इम्प्रूवमेंट इन योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कुरान? कोई आपको फ़र्क महसूस कर रहा है जैसे आप पढ़ रहे थे, या ये क्लास की वजह से? डू यू फील एनी इम्प्रूवमेंट इन योर कॉम्प्रिहेंशन? जी हाँ, डेफिनेटली। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब यहाँ से देखिए कि उसमें आप वर्क भी करते हैं सारी चीज़ें, तो इसका एक टुकड़ा हम कहाँ तक लेंगे? जस्ट द फर्स्ट थिंग, एक खबर हो रही, एक जुमला है और वो शुरू का ऐसे हो रहा है, यस आलू नखा एंड दे आस्क यू, कहाँ से आया है पूरा? दे आर आस्किंग यू, है ना? दे आर आस्किंग यू। चलिए, सो वेयर हैज द मीनिंग कम? यू कहाँ पर है? ये थर्ड पर्सन ये लगाया है प्रीफिक्स, गुड, तो थर्ड पर्सन है। एंड का जो आखिर में है, गुड। वो क्या है? लून जी, ये क्या का क्या है? ये बताएगा हमको कि लाइक सिंगुलर प्लूरल उस तरीके से। नहीं नहीं दे आस्क यू, दे, अब इसमें पहले दो चीज़ें हैं ना, एक तो वर्ब का कॉन्जुगेशन है, वो क्या है? यस ये जी, तो वो आपका हो गया मजारे, थर्ड पर्सन लू मजारे आप लिख रहे हैं। यस आ लूना, ये पूरा एक कॉन्जुगेशन हो गया। इसमें आपने बता दिया इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका वर्ब क्या है, व्हाट इज द रूट वर्ड परसों हम कर रहे थे? साला, उसके गर्दान भी मैं बता दिया था कैसे करेंगे, सालू, ठीक है? उसका मुजारे यसालू, है ना? उसका जमा यसालूना, ये उसका मजार। तो दे आर आस्किंग, इसमें आ गया दे आर आस्किंग। व्हाट इज का इज ए जमीर है, यू, हाँ जी यू, हाँ, और ये इसका मुकाम क्या हो गया? इसका यू, इसमें ये तो साला में एक फेल है और एक क्या है? फाइल फेल, बस खत्म। इसमें यस अलूना में फाइल है और फेल है, ये दे और आस्किंग। अब ये का यू है, यू क्या है इसका? मफूल, खत्म की बात। तो इसके अंदर ये पूरी चीजें आ गई, इसमें तीनों चीजें आ गई, फेल फाइल मफूल। अनिल खमरी के खमर, व्हाट इज खमर? लाइक अल्कोहल, लाइक इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट अल्कोहल या कोई भी नशावर चीज, स्पेशली अल्कोहल। और ये मायसर, लाइक गेम ऑफ चांस, लाइक गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ये कई किस्म की होती है, चाहे उसमें
ये लॉटरीज या फिर जो है वो तीरों के फल हैं। उस जमाने में कई तरीके थे, आज भी है, गैमलिंग के, हॉर्स रेस, एवरीथिंग। सो नाउ हियर इज ए पार्ट, और विल यू ट्रांसलेट इट? वो आपसे पूछते हैं अबाउट, yes, where is the about, which अंदर, part is, very good, gamble, intoxicants, and or game of chance, और ये वाव जो हो जाएगा ये अथ हो जाएगा, very good, किस पे अथ हो गए हैं, हरफे अथ है, और ये दो इसम है, एक कमर है एक मैसर है, तो अब इसमें इनमें दोनों में क्या रिश्ता है इसको? मातूफ मातूफ अलाई, बिल्कुल, ये मातूफ अलाई है, ये मातूफ है, अल खमरी और मैसे, ये पूरा एक एक सवाल था जो आ रहा था, माइट बी कमिंग फ्रॉम द मोमिनीन आल्सो और फ्रॉम द कुफार आल्सो जमाने में, है ना, ये एक सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया कि खमर और मैसीर का इस्लाम में क्या हुक्म है। यदि ये 219, ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द टॉपिक, इट्स नॉट द एंड ऑफ द टॉपिक, ये कुरान में हमको कई चीज़ों में ये चीज़ मिलती है जिसको मॉडर्न एजुकेशन के ज़माने में चेंज थ्योरी कहते हैं, चेंज थ्योरी। चेंज थ्योरी दैट मीन्स, ये बिल्कुल साइकोलॉजी थोड़ी जितने कोई भी जानता है तो उसको मालूम है कि चेंज थ्योरी क्या होता है। कैन चेंज बी इजीली एक्सेप्टेड? Usually not. Usually, it's almost impossible. किसी चीज़ को जो habit बन जाती है, जो आबाव अजदाद से जो belief चले आते हैं या जो दिलचस्पी का लोगों का मशगला होता है, उससे उनको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है दूर होना। तो ये change theory यहाँ पर apply हो रही है, यहाँ पर कोई चीज़ हराम नहीं हो रही है, लेकिन इस आयत को लेके हम पूरा कुरान में सिर्फ ये कहा गया है कि इसमें जो भी कंटेंट है हम पढ़ेंगे, इट्स नॉट द एंड, बल्कि ये एक इब्तिदा है जिसमें ये बताया गया कि ये दोनों की हकीकत क्या है, कमर और मैसर की, कमर और मैसर के बारे में ये, इट वाज नॉट प्रोहिबिटेड इन दिस, ये दो हिजरी की बात है, लेकिन 6 हिजरी में एक सूरतुल मायदा जो उसमें भी तमाम अहकाम भरे हुए हैं, उसकी आयत नंबर 290, सूरतुल मायदा की आयत नंबर 290, ठीक है, ये डॉक्टर अब्बास ड्राइविंग में कुछ परेशान है, चलिए। तो दिस वॉज कम्प्लीटेड चेंज, या सिर्फ उससे वाकिफ करा दिया गया है कि ये चीज़ क्या है जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, वाट अबाउट इट। तो उसकी हकीकत यहाँ पर 219 में सूरह बकरा में बताई गई, जिसको इनकरेज नहीं किया गया, और फिर वो चल के 6 हिजरी में उस पे शराब और जुआ और उसके तमाम किस्में हराम कर दी गई, दैट वॉज प्रोहिबिटेड। इसकी वजह क्या थी? अभी तो इस्लाम के 15 साल तकरीबन गुजर चुके थे, 13 साल मक्की ज़िंदगी के और ये 2 साल मदनी ज़िंदगी के, 13+2, और ये 15 साल के बाद भी शराब भी हराम नहीं हुई और जुआ जो था वो भी हराम नहीं हुआ।
Now, this is what we have to ponder upon it. Why did it take so many times? अब इसके भी 4 साल के बाद 290 में जो सूरह मायदा की आयत है उसमें हमको ये सूरह अल मायदा दैट इज सूरत नंबर फाइव एंड आयत नंबर 190 ये तकरीबन ये 15-19 साल के बाद दिस शराब और जुए को हराम किया गया. व्हाट इज द कैन एनीवन, सभी सुनते भी रहते हैं पढ़ते भी रहते हैं, कैन एनीवन गेस व्हाई डिड इट टेक 19 इयर्स टू प्रोहिबिट इट? क्योंकि बहुत ज्यादा आदत हो चुकी थी लोगों को और शराब तो एकदम छूट जाने से वो विड्रॉल में भी जा सकते थे और चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वर लो क्योंकि बहुत ज्यादा आदत और पार्ट ऑफ द कल्चर थी. वेरी गुड. यानी इंसानों की दिलचस्पी का एक हर एक का मशगला होता है, कौमों का, सोसाइटी का, ग्रुप का. उससे अगर फौरी रोक दिया जाए तो उनके ऊपर बड़ा शॉक गुजरता है. अब वो उसके बाद जैसा आपने कहा कि देयर वाज ए पॉसिबिलिटी दैट दे विल टर्न आउट फ्रॉम इस्लाम और विल नॉट टर्न टुवर्ड्स इस्लाम, उस तरफ आने के लिए भी राग़िब नहीं होंगे, इसलिए कि उनकी दिलचस्पी से उस जमाने में बहुत ज्यादा रिवाज था शराब और जुए का. तो अब इसके बारे में जब पूछते हैं तो उसकी एक हकीकत यहाँ पर बताई दी जा रही है, जिससे कुरान का ये नहीं है कि इसको पढ़ के सिर्फ ये कहा जाए कि इसमें नफा कम और नुकसान ज्यादा है. वट एवर इज द कंटेंट वी विल रीड इट. लेकिन उसके कोई 19 साल बाद इसकी हुरमत आती है जिसको हराम किया करार दिया जाता है. तो एक वजह यह है कि सबसे पहली चीज़ वो ये है कि जब तक ईमान पुख्ता नहीं होगा, बिलीव इन अल्लाह सुबान तआला, बिलीव इन हिज प्रॉफिट एंड बिलीव इन द बुक एंड बिलीव इन द शरिया, ये जब तक पुख्ता नहीं होगा उस वक्त ज़िमनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको लोगों पे वो लागू नहीं की गई. जब लोगों का ईमान पुख्ता हो गया अल्लाह के कलाम पे, अल्लाह की शरीयत पे और अल्लाह की किताब पे, अल्लाह के रसूल पे, तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें. और फिर ये अहादीस में आता है कि उन जब वो 290 वाली आयत आई सूरह मायदा की, तो मदीने की गलियों में शराब के नहरें या शराब बह रही थी, जिस जिस के पास शराब के ज़खीरे थे वो सब शराब को नीचे ज़मीन पे उंडेल दिए गए. दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ द बिलीफ. बिलीफ जब मुकम्मल हो गया किताब पे, ईमान पे, अल्लाह पे, अल्लाह की शरीयत पे, अल्लाह के रसूल पे, तो उस वक्त तक उसको हराम नहीं किया गया. That's why it took so many years. अब यहाँ पर वो सवाल जब किया गया, सवाल है ना, उसमें जो भी है नंबर आप नोट कर रहे होंगे, तो ये शराब के बारे में और जुए के बारे में. अब उसके बाद का जो टुकड़ा है, कुल कैन एनीवन गो फर्दर. सलाम अलैकुम सर. वो 290 नहीं है, आयत 90 है. मायदा जो है वो चूंकि बकरा में था ये, देर यूर डेट्स गुड, इट्स ओनली आयत नंबर 90, बट वही सूरह मायदा है और ये 6 हिजरी में इसका नजूल हुआ था. देर यूर, थैंक यू, इट्स नॉट 290, इट्स ओनली 90. थैंक यू फॉर द करेक्शन. चलिए, है ना, चूंकि मैं बकरा के 200 चल रहा हूँ तो उसी गलत फहमी में 290 कर दिया. ओके, चलिए,
ये बिल्कुल 1090 है उस माहिदा की जिसमें हराम किया गया। तो उसके बाद अब इन दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है, यकुल हु सेड दिस, चलो इकबाल कंटिन्यू करो यहाँ से। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हान तआला, चलिए अल्लाह सुब्हान तआला इसका जवाब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिला रहे हैं। जवाब कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है? नफ़ ए हिमा तक, यहाँ तक इसका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। अब ये दोनों का जवाब क्या है? इन दोनों में इस्मुन कबीर के गुना बड़ा है। ये देखो ये मौनस की जमीर क्या होती है? हिमा है ना, हिमा होती है। मौनस की जमीर क्या होती है? वो दो हुमा ही होती है, दो वो हिमा नहीं होती, हिमा नहीं होती, नहीं हिमा नहीं होती, वो हुमा ही होती। हाँ हुन हुम हिया हुमा हुन्ना, हुन्ना। हाँ तब यहाँ पर फिर हिया क्यों आया, हिया नहीं आया उसके हिमा क्यों आया? जार मजूर की वजह से है कि कफी ही हर जगह देखिए ये जमीर इसमें चेंज नहीं होती, लेकिन फी ली ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन की जमीर को भी मजरूर कर देते हैं, उसमें भी जबर जेर कर देते हैं। हुमा जाके हिमा हो गया, हिमा माने दीज टू, फी माने में, इन दोनों में, इन दोनों में। देन दिस हुमा इज रिफरिंग टू व्हाट? अल-खमर अल-मैस, बस ये दो जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, ये दोनों के बारे में इत्तला दी जा रही है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानों को। इस्म किसे कहते हैं? इस्म जो है वो सयाद के बाद इसके बाद उदु, तो सेकंड गुना है। इस सयाद से बढ़कर जो चीज़ होती है वो गुना होता है, तो छोटी मोटी गलतियां होती है उसको सयाद कहते हैं। इस्म जो है वो उससे बड़ा गुना है। ये कुरान अल्लाह का कलाम बड़ा रिच कलाम है, और इसमें जब दो कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके मायनों को गौर करना पड़ता है, और एक एक लफ्ज़ के आप डिक्शनरी देखेंगे तो कई मायने निकलते हैं। एक इस्म तो गुनाह के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, इस गुनाह के कई डिग्रीज हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक इस्म इस्तेमाल हुआ है और एक मुनाफे नफा इस्तेमाल हुआ है, मुनाफ्यू। अब इस लिहाज से आपको मायने सही मायने बिठाना पड़े। अब यह गुनाह करें कहेंगे तो ये गुनाह और मुनाफे का कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है गुनाह और नफा का, है ना, कोई संबंध ही नहीं है। तो हमको डिक्शनरी से या आयत के लिहाज से इस्म के मायने क्या लेना पड़ेगा? मुनाफे का अपोजिट क्या है? नुकसान। यस, अब यहाँ पर आप इस्म को जो है गुनाह नहीं ले, अभी गुनाह का तस्वुर नहीं था, अभी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है कि ये दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है। तो नुकसान बड़ा है। हाँ, कबीर उन वो मुनाफे से नुकसान बड़ा है। मुनाफे सही है, मुनाफे हो तो ये इसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा डॉक्टर शायद बता सकते हैं। नहीं नहीं एक सेकंड, अभी डॉक्टर साहब क्या वो तफसीर में मैं भी बताऊं। है मुनाफे लिन्नासी लोगों की,
इंसानों के लिए। ये किस किस्म का जुमला हो गया, इस्मुन कबीरुन व मनाफियु लिन्नासी। सही जुमला इस्मिया हो गया, इस्मुन कबीरुन, और फिर इसकी खबर जो होगी मुनाफियु लिन्नासी। नहीं तो ज्यादा नहीं, जुमला इस्मिया कैसे हो गए? इस्मुन कबीरुन नुकसान, इस्मुन जो है वो तो वो हुआ ना सर, नाउन हुआ ना, तनवीन आ रही है ना इस पे। जुमला इस्मिया जब भी होगा तो उसका जो इस्म होगा वो कैसे होगा? मरफू भी होगा, मरफू होगा, और क्या होगा? हमेशा मारिफा होगा। मारिफा होगा, राइट राइट राइट। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि फी हिमा, मैंने उन दोनों में, अब दो चीज़ों का उसका कंपैरिजन हो रहा है। इस्मुन कबीरुन नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ तक एक बात कंप्लीट हो गई। फिर ये वाह आया तो ये क्यों आया? ये वाह तो सर और के लिए, अर्थ है कि अर्थ नहीं है ये, अथफ ये है, एंड वह है। इस्मुन कबीरुन, इस्मुन कबीरुन एक हो गया कि फी ही मा इस्मुन कबीरुन, उस उन दोनों में नुकसान बहुत बड़ा है। और फिर वाह हो गया, फी ही मा, हाँ, मनाफियु लिन्नास व इस्मु मा अकबरु, इस्म नुकसान, कंपैरिजन टू द प्रॉफिट, उसमें जो मुनाफे है या उसमें जो फायदा है, नुकसान का अपोजिट फायदा, नुकसान का अपोजिट है फायदा। मुनाफिउ लिन्नासी है ना, इन कंपैरिजन टू मुनाफिउ लिन्नास, लोगों के फायदे से इस्मुन खबीरुन, उसका नुकसान ज्यादा है। हो गया। अब फिर उसके बाद एक वाव आया, ये सारे अत्फ हो रहे हैं, वह इस्मु हुमा, फिर उसको मजीद वजाहत हो रही है। फिर यहाँ पर हिमा आया था और यहाँ पर वो ये आ गया ओरिजिनल हुमा, इसलिए कि यहाँ पर कोई हर्फ जर नहीं है, वह इस्मु हुमा, फिर ये दोनों आ गए। ये दोनों कौन है? अल खमर व मैसी। अकबरु मिन नफ़ईहिमा, फिर यहाँ पर ये कंपैरिजन हो गया है ना, यह मुनाफे और इस्म में कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन उन दोनों का जो मुनाफा है या जो उसका फायदा है, उसके अलावा जो उसका नुकसान है, इस्महुमा, उन दोनों का नुकसान वो ज्यादा है, मिन नफ़ी हिमा। अब या फिर हिमा आ गया, क्यों हिमा क्यों आ गया? फी की जगह, फी की वजह से जार, फी का है या फी का है? नफ नफ ओ एन नफ ही, ही की जगह है ना, मैं उस पे देख रहा हूँ, नफ पी हिमा, मिन की वजह से है सर, मिन की वजह से है, मिन की वजह से, मिन नफ़ईहिमा, उन दोनों के फायदे से, ठीक है। चलिए, अब आप एक खुद सवाल कर रहे थे, डॉक्टर साहब बताएंगे बोल रहे थे, आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? अब सिर्फ इतना जवाब दिया जा रहा है कि अगर ये दो काम लिए जाएं तो उनके जहन को तैयार किया जा रहा है कि इसके फायदे और नुकसान को अगर देखें, इसके फायदे और नुकसान को अगर देखें, इन कंपैरिजन टू इट्स इस्म एंड मुनाफे है ना, कबीरुन इस्मुन कबीरुन वो मुनाफियु लिन्नास, इन कंपैरिजन टू उसके नफे के मुकाबले में,
फिर उसके बाद अर्थ के बाद उन दोनों के नुकसान, फिर यहाँ इसम के माने नुकसान ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इट्स बेनिफिट्स, दोनों के फायदे में, उन दोनों के फायदे। चलिए, अब ये आपका सवाल था कि इसमें नफा क्या है और फिर नुकसान क्या है। नुकसान तो खैर पता ही है सबको। चलिए, नफा क्या है? नफा तो पैर को तो नहीं पता नफा क्या है। मैं समझे शायद मेडिकली कोई लॉजिकल, मेडिकली जिससे डॉक्टर को शायद पता चलता हो, इसलिए मैंने। वो तो विड्रॉल, अगर एकदम शराब छोड़ी जाए तो यू कुड गो इनटू विड्रॉल और वो तो डेथ होती, तो मेडिकल फायदा तो है उसमें, तो कोई सवाल नहीं। लेकिन नफा ऐसे भी था कि कई लोगों के बिजनेसेस थे, शराब बनती थी, शराब बिकती थी, और अरब जो थे वो फायदे नुकसान को ज्यादा बेहतर जुमला समझते थे। देयर मेंटालिटी वाज टू अंडरस्टैंड बेटर कि फायदा है या नुकसान है, इसलिए वो यूज किया गया है। तो ये मतलब माल की वजह से इसका फायदा है कि लोग इसकी तिजारत करते हैं तो उसमें फायदा है, जिस्मानी तौर पे कोई फायदा नहीं है इसमें। That's what the doctor साहब कह रहे हैं, right? कि जिस्मानी तौर पे कोई फायदा नहीं है, but as a business is a profitable. डॉक्टर बासी क्या यही मतलब लेंगे जो इकबाल कह रहे हैं? आजकल तो हजार स्टडीज हो गई हैं और रिसर्च आ गए हैं कि वो इतनी वाइन पीने में फायदा भी है सेहत का और कोलेस्ट्रॉल नीचे होती है, वो तो दुनिया भर में। लेकिन ये है कि इसी वजह से ये कहा गया है कि नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है, जो आज बात समझ आती है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई 2 ग्लास वाइन पीने से जो है आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होती है और हार्ट का रिस्क कम होता है, लेकिन उसके नुकसान जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा हैं। तो ये बात भी जो इकबाल भाई कह रहे हैं वो भी साथ फिट इन हो सकती है। अब देखिए, अब अगर हम इसको बिर्राय जो मुफस्सरीन तफसीर करते हैं उसके लिहाज से अगर देखें तो यह उस वक्त के मदीने और मक्के का माहौल ये था। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, बिर्राय जितने मुफस्सरीन तफसीर करते हैं उनका ये ख्याल है कि ये शराब के नशे में और जुए से जब उसमें जीते तो वो जो फायदा होता या कई ऊंट उनके दाव पे लग जाते उसको कुर्बान करते या उनको काटते और लोगों को उसका गोश्त तकसीम करते, कई लोगों को उससे पेट भरने का मौका या गरीबों का फायदा होता था, और वो चीज़ की वजह से ये कहा गया। लेकिन मॉडर्न मुफस्सरीन जब इस पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर यह है कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने जितनी चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं, इंसान अगर गौर करे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें दोनों चीज़ें ना हो, नुकसान और फायदा। कोई चीज़ दुनिया में अगर आप स्टडी करें या दुनिया में जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं ये टोटली जो है वो नुकसानदेह है या टोटली फ़ायदेमंद है, किसी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते। हर चीज़ में, इवन खाना है उसको लिमिट में खाएंगे, पानी है उसको लिमिट में पियेंगे, और जो भी विटामिन है उनको लिमिट में लेंगे, है ना, तो वो तमाम चीज़ें फ़ायदा देंगी। लेकिन लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वही खाना जहर बन सकता है, डायरिया हो सकता है, नुकसान पहुंचाएगा, है ना। लिमिट कर कोई भी चीज़, दुनिया की जितनी चीज़ें उसको लेके देखिए आप, उसमें हर चीज़ में फ़ायदा भी है नुकसान भी है। अब ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल के रिसर्च में वाइन के बारे में उससे ये फ़ायदे भी होते हैं, खीनन फ़ायदे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके जो आदी होते हैं दे कैन नॉट कंट्रोल इट, दैट इज़ द ह्यूमन नेचर,
आज एक पैग पैग लिए तो उसके बाद उसका जो असर है एक पैग का चंद दिन के बाद वो असर वो बाकी नहीं रहता, दे विल इंक्रीज इट टू 2, 3, 4, 5, वो जो है बढ़ते जाएंगे और उसके बाद उससे जो फायदा है वो तो नहीं होगा, अलबत्त नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम यही मायने ले सकते हैं कि कोई चीज़ अल्लाह सुबहान तआला ने दुनिया में ऐसी पैदा नहीं की जो पूरी की पूरी फायदा मंद है या पूरी की पूरी नुकसान दे। खैर और शर दोनों है इसमें। इसीलिए चीज में खैर और शर दोनों, दोनों चीजें हर चीज में खैर और शर दोनों है, लेकिन जिसमें आदि होने का खतरा है उसको अल्लाह ताला ने आराम दिया, आदि होके फिर और उसमें इंक्रीज करके उसको, है ना, आप जो है खेलने वाले और हॉर्स रेसेस में हिस्सा लेने वालों को देखेंगे, लॉटरी वालों को, कभी जिंदगी में कुछ कमा लिया होगा उससे, लेकिन सारी जिंदगी उसमें नुकसान ही उठाते रहते हैं, जो थोड़ी अपनी अमाउंट है वो उसमें सर्व करते रहते हैं, लेकिन इस उम्मीद पे कि ऑल ऑफ अ सडन दे विल बिकम रिच, दे विल गेट समथिंग, नफा हो जाएगा, उसके आदि हो जाते हैं, उनका दिलचस्प मशगला होता है ना, एक बार अगर कोई जुए का आदि हो जाए तो उसको उस रास्ते से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शराब का आदि भी हो जाए तो उससे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन, इसकी असलियत से अल्लाह सुबहान तआला ने वाकिफ कराया कि इसका जो नुकसान है वो इंसानी फितरत के लिहाज से कि नो वन कैन कंट्रोल इट, नो वन कैन लिमिट इट इन हिज लाइफ, उसमें हिर्स बढ़ती जाती है, शैतान उनके साथ हमेशा होता है और नुकसान पे नुकसान होता जाता है, उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, एक दलदल है ये, एक दलदल है, इंसान का नेचर है कि वो हमेशा आस में उम्मीद में ज़िंदगी गुजारता है, जुए में, आज नुकसान हुआ कल तो ज़रूर फ़ायदा होगा, कल नुकसान हुआ परसों तो ज़रूर फ़ायदा होगा, इसी उम्मीद पे सारे कैसिनो, सारे जुए के मार्केट, है ना, शराब के मार्केट चल रहे हैं, इकोनॉमिकली भी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शराब का कारोबार था उससे वो एक मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन उस मुनाफे से ज़्यादा इंसान का नेचर यह है कि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आदत पड़ जाने के बाद आसानी से छूटती नहीं। हमने तो ज़िंदगी में कई लोगों को ऐसे देखा है कि उसमें जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुआ है, सट्टा है, कार्ड्स हैं, हॉर्स रेसिंग में जाके पैसा लगाते हैं, तो वो वी कैन नॉट पुल देम आउट इफ दे वांस इल्ला माशाल्लाह, सिर्फ अल्लाह अगर तौफीक दे तो ही बच सकते हैं, वरना उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो एक चीज़ को अल्लाह सुबहान तआला ने इंट्रोड्यूस कर दिया इस आयत में कि उसमें फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँच रहे, अकबरों में नफ़ एहमा, उसकी उन दोनों के जो फ़ायदे हैं उसके मुकाबले में इस मुहा उसके नुकसानात, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले भी आया था अकबरू, है ना, जिसमें कंपैरिजन था कि उसके फ़ायदे के मुकाबले में इस मुहमा अकबरू नुकसान ज़्यादा हो गया। अब उसके बाद देखिए एक तीसरी बात आ रही है, फिर ये वाव है, ये क्या है, कंजेक्शन है या फिर ये अत्फ है? नहीं, ये तो अच्छे सर, ये तो कंजेशन है, ये कंजेशन है ना। अब फिर वही सवाल, दूसरा सवाल आ रहा है, यसलून का अनिल खमरी वल मैसरी के बाद वो यसलून का माजा युनफिकून, ये कौन सी आयत में आ चुका था? कौन सी आयत में? अभी पहले पढ़ा आपने, मा तो ये था यसलून का माजा युनफिकून, ये था आयत नंबर या मैं लिख दिया 215 से, तो ये जिहाद 16, 17, 18 आ चुका है। अब वहाँ पर हमने 215 अगर आपके सामने है या निकाल सकते हैं तो क्या था वो? यस, ये सलोका माजा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन,
एक लफ्ज़ था वहां पर कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, आपको याद है हम खैर के वहां पर माने क्या कर रहे थे? खैर जो है कि जो तुम बेहतर तरीके से, नहीं ये मायने नहीं कर रहे थे, सरप्लस, सरप्लस के मायने, सरप्लस के मायने लिए थे। और वो वसीयत में भी अगर तुम खैर छोड़ के जा रहे हो तो उसकी वसीयत जरूरी है, है ना। वो इसी सूरह में जो इब्तदाई आयत वसीयत के थे, सूरह निसा के नजूल से पहले वो आयत भी हम पढ़ चुके हैं, अगर खैर छोड़ के जा रहे हैं तो माल की नसीहत वसीयत जरूरी है। अगर खैर नहीं है, माल का सिर नहीं है, उसके लिए कोई वसीयत की जरूरत नहीं। ज्यादा आपके पास माल हो जो जरूरत से ज्यादा, अब वो जो हम उस वक्त खैर के मायने सरप्लस लिए थे, यहाँ पर वो बात वाजे हो रही है इसके जवाब में। सवाल तो वही है जो 215 में था, और वही चीजें हैं ये सलूना में क्या था, माजा युनफिकूना, है ना, कि वो क्या खर्च करेंगे। अब जो उसका जवाब आ रहा है वो क्या है? अफवाह जो है, फिर ये आप जो कह रहे हैं जैसे खैर, तो ये भी वही सरप्लस मीटिंग में आया इसके। बिल्कुल, इसका रूट वर्ड क्या है? अफवाह का रूट वर्ड अफा हमजा, ये परसों हम ये वर्ब कर रहे थे। हाँ, तो ये महमूज आखिर में लाम पे है, तो महमूज लाम वाला है अफा, है ना। और उसका जो है याफू के मैंने ज्यादा के हैं। अफा एक तो मैंने दरगुजर करने के हैं, लेकिन और एक मैंने ज्यादा जायद, जरूरत से जायद। ये अफा भी वही है जो इस पे दरगुजर करने का माफ है। नहीं नहीं नहीं, कैसे दरगुजर के मैंने कैसे निकलेंगे? खुलिल अफा के मैंने दरगुजर के भी है, अभी आपने कहा ना, लेकिन वो दरगुजर के मायनों में या नहीं है ना, या नहीं है, लेकिन इससे मीनिंग वो भी निकलता है अफा, वही उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है या यही है? यही है, यही है, यही है। और उसके बाद जवाब आ रहा है अल अफवा, व्हाट एवर इज सरप्लस विथ यू, है ना। इस पे आप ही ने एक सवाल किया था जो मेरे से करने का नहीं था, कि आखिर कितना हम सरप्लस का है, कितना रखें कितना दें। हर एक का तकवा अलग होता है, हर एक का तवक्कुल अलग होता है, हर एक का अपनी थिंकिंग अलग होती है, उसके लिहाज से अफवाह उसके लिए मुनासिब होगा। सिद्दीक का अफवाह अलग था, हज़रत उमर का अफवाह अलग था, हज़रत उस्मान का अफवाह अलग था सरप्लस, है ना। हज़रत सिद्दीक जैसे वो ग़ज़वे तबूक का जो वाक़िया है मशहूर तरीन, के आप हज़रत सिद्दीक ने लाके जो सामान रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया था कि या अबू बकर आपने घर में क्या छोड़ा है, तो क्या जवाब था? अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ा बस। और फिर हज़रत उमर से जब सवाल किया गया तो क्या कहा था? आधा लेकर आए हो, आधा घर वालों के, ये अफवाह का वो था। तो अब यहाँ पर हर एक अपने तकवे के लिहाज से, हर एक अपने अल्लाह पे भरोसे के लिहाज से, कि वो आज है कल भी वही देने वाला है, आज खिलाया कल भी वही, हर एक का अपना है। तो जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है वो जो है वो खर्च। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके वर्ड की मीनिंग जी क्या वर्ड है बोलिए, आपकी मीनिंग जो वर्ड की मीनिंग है, हम जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अफवा अफू दरगुजर, तो हम वर्ड की मीनिंग ऐसे आगे पढ़ते हुए ऐसा नहीं ले सकते कि जो हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, बल्कि इसको आपको कंटेंट के लिहाज से जाना पड़ेगा कि क्या। बिल्कुल, क्या आयत? एक तो देखिए कि एक लफ्ज होता है, आप कभी डिक्शनरी उठा के देखिए तो उसके कई मायने निकलते हैं, वो कई सेंस में, कोई भी जबान में वैसी होता है, एक लफ्ज़ के एक ही मायने, उसके लफ्ज़ी मायने कई होते हैं, लेकिन उसके मौके के लिहाज से, उसके मायने इस्तेमाल के लिहाज से बदलते रहते हैं, ये हर जबान में। लेकिन अरबी तो इतनी रिच जबान है
कि उसके मायने हर जगह एक ही नहीं होते, हर जगह एक ही नहीं होते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अफवाह के कितने मायने हैं वो मानों के लिहाज से, अब यहाँ पर जायद के लिए। अब ये अफवाह के कोई अगर हम मायने उफू और दरगुजर लेंगे तो वह मायने तो कोई सूट ही नहीं करते, निकलते ही सूट ही नहीं करते। तो हमको वो मायने देखना पड़ेगा जो टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए। वैसे इसमें भी गुनाह का कोई सवाल ही नहीं था, है ना। नफ़ा और गुनाह, गुनाह और सवाब का अगर वो होता कंपैरिजन, तो इसका गुनाह जो है ज़्यादा है, सवाब कम है, या कोई सवाब का जिक्र भी नहीं। सवाब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ नफ़ा और नुकसान की बात है। नुकसान का तो मीनिंग भी कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। तर्जुमे भी जितने होंगे वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कुरान के तर्जुमे किए हुए होंगे। हर तर्जुमे में आपको यही मिलेगा कि उसको जो जायद हो, जो जायद हो, कहीं यहाँ पर दरगुजर करना माफ़ करने के मायने में कोई नहीं लेगा। तो ये अल मैसर जो है, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो असर पड़ रहा था। मैं तो अल मैसर जो है, मैस यसरा, तो ये तो आसान का मतलब निकलता ना, इजी आसान। और दूसरा जो है जुआ के, जुए के, जुए के भी कई वो हैं, काइंड्स हैं जो उस जमाने में थे, तीरों का जुआ, फिर मुख्तलिफ किस्म के जुए, आज भी मुख्तलिफ किस्म के जुए खेले जाते हैं। चलिए, और यह कमर तो ये यहाँ तक हो गया, कितना क्लियर हो गया है कि सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये दोनों का मुकाम ये है कि इसमें फ़ायदे भी कुछ हैं, वो फ़ायदे, और फिर कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो पूरी की पूरी फ़ायदा मंद हो, उसमें कोई नुकसान हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से, है? हर चीज़ में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, डिपेंड करता है कैसे यूज़ करता है आदमी इसको। खैर चाहे तो खैर निकाल ले, शर चाहे तो शर निकाल ले उसके अंदर। चलिए, अब उसके बाद यहाँ से दानिश रहमान आप ले लीजिए इनको। आखिरी टुकड़ा जल्दी, आज हम कम से कम तीन आयतें करेंगे इंशाल्लाह। है अतरी तो दानिश, आर यू देयर? दानिश है या नहीं? नाम तो है दानिश, आर यू देयर? यस जी सर, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आप किसी और को दे दीजिए तो इजी हो जाएगा। कनेक्टेड तो था। यस, ड्राइव कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, फायदा भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कर सकती हूँ? टेक इट आउट, टेक इट आउट। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु। सर ये पूरा ट्रांसलेशन पहले कर दें। करिए 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 जी। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु वो बयान करता है, अल्लाह अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयतें निशानियां, लअल्लकुम ताके तुम तफक्करूं, मतलब सोचो या गौर व फिक्र करो, इसलिए। तो सर इसमें मतलब अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला अपनी निशानियां जो है वो बयान कर देता है ताकि लोग उनके बारे में सोच समझकर फैसला करें कि उनके लिए मतलब वेयर दे वांट टू गो। तो अगर हम इसको ग्रामेटिकल उसमें लेंगे तो क जो है, क जालिका, ये एक किस्म का जो है जालिका की वजह से ये मुब्तदा भी बनता है, इसी तरह जुमला इस्मिया भी बनता है। और युबय्यिनु, युबय्यिनु में वो फाइल और फेल है। कहां से ये युबय्यिनु मुब्तदा इसका जब मुब्तदा बन गया तो फिर इसका
इसका इस्म कज़ालिका इस्म का है और उसका दूसरा पार्ट का है। जी सर, जुमले इस्म होगा तो दो उसके पार्ट जरूरी है, एक उसका जुमले इस्म का इस्म मुफ्ता का आगे फाइल होगा। फाइल नहीं होता, जुमले इस्मिया बोल रहे हैं ना। जी सर, जी सर, जुमले क्या है? मुफ्तदा और उसकी खबर। सर मेरा ख्याल है इसका जो मुफ्तदा बनेगा वो अल्लाह तक बनेगा, अज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु नहीं, बयान करता है। नहीं नहीं ये मुब्तदा तो कज़ालिका में, ये सिर्फ के बहुत दूर की बात है कि इसी तरह से जैसे तुम सवाल कर रहे हो उसके जवाब दिए जा रहे हैं, हर चीज का जवाब तुम्हारे को मिल रहा है ना। तो इसी तरह से अब ये मुब्तदा हो गया और यहाँ से यहाँ तक उसकी खबर है, खबर हो गया। अब ये खबर कौन सा जुमला है? तो ये जुमला है, फेलिया बन रहा है, ये फेल से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है। युबय्यिनु जब फेलिया जुमला होगा तो उसके अज्जा क्या होंगे? फिर उसमें उसका फाइल होगा और मफूल होगा और फेल होगा। युबय्यिनु में सर या जो है वो एम्प्टी हो रहा है अल्लाह के साथ आगे, अल्लाह उसका फाइल बन रहा है। युबय्यिनु जो है सर, युबय्यिनु वो बयान करता है, यानी ये फेल फाइल है, जाके अल्लाह उस या को रिप्लेस कर रहा है। वेरी गुड, अल्लाह बयान करता है, अल्लाह बयान करता है जी। और लकुम जो है सर ये जार मजरूर, ला जो है हर पे जार है और कुम जो है वो मजरूर है उसकी वजह से, और कुम की जो है हालत इस वजह से नहीं बदली क्योंकि जमायर अपने आराब चेंज नहीं करते किसी भी सूरत में। चलिए तो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या बयान करता है? अल आयाती, आयतों को, और आयात जो है सर ये यहाँ पे युबय्यिनु का मफूल है। और लअल्लकुम के मैंने आपके लिए यहाँ पर सर यहाँ पे निशानियां भी हैं, ये अपनी आयतें हम कुरान की आयतों के फॉर्म में भी ये ले सकते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से। देखिए साहिदा ये अभी यहाँ चल रहा था इस्म के मायने जो रेगुलर मायने हैं इस्म और सवाब के मायनों के मायनों में, ये मुनाफे और इस्म का कंपैरिजन था। अफवाह के मायने हम वहाँ पर उफू दरगुजर निजायत के मायने लिए। अब आयत के मायने कुरान में ये लफ्ज कई मायनों में इस्तेमाल हुआ है। आयतों के मायने निशानियों के हैं, आयतों के मायने मोजिज़ों के हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या निशानी क्या है, मोजिज़ा क्या है, आयत किस मायने में इस्तेमाल हुआ है, दैट वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू फाइंड आउट, देन देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द होल आया, है ना। तो अब ये आयत क्या मायने, तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला की तरफ से इस आयत आयत सिंपल बात आयत है, तो आयत से कहता है ना कुरानी आयत, एक आयत है, नेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसमें कई बातें आ गई हैं। यहाँ पर दो बातें थी, सवाल दो हो रहे थे खमर और मैसर के बारे में, एक खमर और मैसर का जवाब दे दिया है ना, और उसके बाद दूसरा सवाल यसलून का माजा युनफिकून क्या खर्च करें, उसका भी जवाब दे दिया, कुल अफवाह जो ज़ायद है तुम्हारे पास, और उसके बाद ये तमाम बातें और इससे पहले भी जितने सवाल थे वो सब उसमें आ गए कि हराम महीनों में जिहाद कैसा, लड़ना कैसा है, या फिर वो पहले खर्च करना कैसा है, यह चांद के बारे में, यह सुलून का अनिल खमर, जितने सारी चीज़ों के बारे में एक मुख्तसर। इसी तरह से ये जो अल्लाह सुबहान व तआला की आयतों का नुजूल हो रहा है, यह आयत इज़ इन द एक्चुअल सेंस ऑफ दिस आया, पुरानी आयत, अच्छा पुरानी आयत के लिए ही हुआ है, या कोई निशानी नहीं, जहाँ निशानी के मायनों में लेना है वह निशानी के मायनों में लेंगे, यहाँ आयत आयत कुरान ही आयत, और कुरान की जो आयतों का नुजूल हो रहा है वो अल्लाह सुबहानहु ताला वाज़े कर रहे हैं तुम्हारे लिए इन आयतों में, इन आयतों में जो भी अहकाम की आयतें आ रही हैं उसमें एक एक हुक्म वाज़े फरमा रहे हैं। So that is what we have to learn. What does it mean? There is no nishani here. इसमें कोई निशानी नहीं है, आयत कोई मौजूदा नहीं है, आयत इज आयत।
पुरानी है। लाल, चलिए अब ये टुकड़ा क्या हो गया जी सर? सर ये आगे जो है किस्म का कंफ्यूजन है इस सारी आया का, कि अल्लाह ताला ये सारी बातें इसलिए क्या हो, किसका बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, किसी का माइक सर अभी देखें अभी थोड़ा ये सर कंक्लूजन है कि अल्लाह ताला ये बातें किस लिए बयान कर रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला ये सारे अहकाम दे रहे हैं? लअल्लकुम, लअल्ला ताके कुम तुम ततफक्करून, तुम गौर व फिक्र करो। ये किस किस्म का जुमला है साहिद? सर ये जो है लअल्ला जो है ये इन्ना के सिस्टर्स में से है, मुशब्बा बिल फेल। वेरी गुड। और कुम जो है सर इसका इसम है, और ततफक्करून जो है वो इसकी खबर है। खबर है। अब ये ततफक्करून कहाँ से आ गया? What does it mean? सर ततफक्करून ताकि तुम सब गौर व फिक्र करो। What is the root word? सर फकरा, फा का रा। चलिए वेरी गुड, फा का रा। अब इसमें आपको क्या चीज, इसमें क्या चीज फकरा से अगर आप दो तीन गर्दन बताएं तो क्या होंगे? फकरा के माने क्या है सर? माजी में क्या है फकरा के माने क्या है सर? फकरा उसने फिक्र किया या उसने सोचा। हाँ, उसने सोचा, फिक्र किया है ना, किसी बात का पता लगाने की कोशिश की। और उसका मसदर क्या है सर? उसका मसदर बनेगा। अब नहीं आ रही। आप क्या कर रहे थे? आप भी ट्रैवल में है सर? मैं एक्चुअली पहले साथ नहीं थी दानिश के, ट्रैवल नहीं कर रही थी, अब मैं आ गई थी गाड़ी में एक्चुअली। अब आपको आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, अच्छी आ रही है। चलिए जी सर, उसका मजदर क्या है सर? मजदर फिक्रुन बनेगा। फिक्रुन बनेगा, फिक्रुन जी सर। अब यहाँ पर क्या आपको इजाफे क्या मिल रहे हैं अगर इसका हम इसका एक मिनट फकरा का सेकंड पर्सन लेंगे तो क्या क्या गर्दन होगी सर? तफक्करा, तफक्करा है ना जी सर, तफक्करा तफक्करून होगा। लेकिन यहाँ पर ततफक्करून, ततफक्करून ये क्यों आया? ये जो हम कर रहे हैं तब तक वो ग्रामर हम पूरी थोड़ी नहीं करेंगे तो ऐसे अल्फाज हमको कंफ्यूज करते रहेंगे, अंदाजे पे खाली हम मायने देखते रहेंगे। देर इज अ डिफरेंट बिटवीन फकरा एंड तफक्करा। अब ये इसमें इजाफत हो गई तफक्करा। फिर तफक्करा में एक फर्क हो गया, ये फकरा वो सोचा या वो गौर किया, ये तफक्करा आने से ऑल टू थिंक ऑलवेज, हमेशा गौर व फिक्र से काम लेना, कोई काम से पहले उसके ऊपर गौर व फिक्र, इसमें एक इजाफत हो गई। अभी जो हम जितने अफाल कर रहे हैं वो सिर्फ सलासी कर रहे हैं, उसमें अब ऐसे जितने अल्फाज आएंगे वो इंशाल्लाह हयात रही तो उसमें हम मजीद फी ही कहते हैं, सलासी में मजीद फी ही, यानी कुछ लेटर्स का इजाफा होता है उसके माने बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से हम तफसीर में कर चुके हैं, खरजा खरजा, नजला नजला, अनजला, इसमें इजाफे जो आ रहे हैं ताकि तुम हमेशा गौर व फिक्र करो इन आयात पे, है ना, ततफक्करून है ना, ये हमेशा गौर व फिक्र करो। अब ये तर्जुमा पढ़ लेने से तो ये लफ्ज के मायने समझ में नहीं आते, अनलेस एंड अंटिल वी नो ईच वर्ड व्हाट इज द एक्सटेंशन इन इट, उसमें मजीद फी ही क्या है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक मुझे पूरी आयत को जल्दी से ब्रीफ करके बताएं, पुराने लोगों में से ही सही या नहीं, नए लोगों में से जो ऐसा नहीं है सर, एक बात बता दें। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर इसमें जो हम तफक्कर बोलते हैं इसमें फिर दो जगहों पे इजाफत आएगी क्योंकि काफ पे ऊपर भी तशदीद है तो काफ भी डबल बन गया। फकरा
तफक, बता भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इजाफत दो जगह है। इसको औज़ान कहते हैं। अगर वो ये हमारे जब हफ्त अकसाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम मजीद फी की थोड़ी स्टडी करेंगे। वो 10-12 किस्म से, वो भी जहाँ जैसे चाहे नहीं, उसका एक वजन होता है। कौन से ये जो सलासी है उसमें कौन से लेटर से पहले बाद ये किसका इजाफा होता है, वो एक रूल के तहत होता है। ऐसा नहीं जहाँ चाहे जो चाहे उस बढ़ा ले हम लेटर, ठीक है, तब तब फर्क कराओगे। अच्छा, अब इसके बाद मुझे कोई एक ऐसा नहीं दिख रही मुझे आज। नजीबा, कैन यू डू इट? सलाम अलैकुम बस पूरा जल्दी से, टाइम भी हो गया है, लेकिन यू हैव टू रिवाइज दिस पूरी आयत शुरू से। या सलाम मैं कह सकता हूँ, जल्दी जल्दी, बहुत आसान हो गया अब तो, पूरी आयत हो गई। या सलाम, अच्छा, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसरी, वो पूछते हैं आपसे शराब और जुए के ताल्लुक से। कुल आप कह दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीरुन, इन दोनों में नुकसान ज्यादा है, व मुनाफिउ लिन्नासी, लोगों के लिए इसमें नुकसान ज्यादा है और मुनाफा कम है। वह इसम हुमा अकबर मिन नफईहिमा, और इसमें मुनाफा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, मुनाफा कम है। वह यह सन रे रे मुनाफा कम कहाँ से बता सर? मुनाफा कम है अकबर, इसम हुमा अकबर, और नुकसान ज्यादा है, मिन अफईहिमा, उस उन दो उनके नफे से। वयस अलूनका, और वो पूछते हैं आपसे कि मादा इन्फिकु, वो क्या खर्च करें, इन्फाक के बारे में पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुल आप कह दीजिए, अल अफवा, जो जरूरत से जायद हो, कजालिका, इसी तरह, युबैनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, अपने अहकाम को, बस ये आयत आयत के मानों में है या निशानियों के मानों में? अहकाम के मानों, बस अहकाम नहीं, आयत माने आयत, आयत अपने आयत है, गाइडेंस भी है, सारी चीजें। लालकुम ततफक करो, ये थोड़ा आपको भी, ये क्लास में आने के बाद से आपके कॉम्प्रिहेंशन में कुछ आप फर्क महसूस कर रहे हैं नजीबा, जैसे आप पहले पढ़ते थे? जी सर, जो जो भूल चुकी थी थोड़ा, वो याद आते जा रहा, और थोड़ा इजाफा भी हो रहा उसमें, ग्रामर में खास तौर पे। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक एक आयत थोड़ी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, रमजान करीब आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। चलिए थोड़ा बाद वाली आयत जी, फिर दुनिया वल आखिरती भी नहीं होती, हो खत्म हो गया अभी टाइम। चलिए उसको कल मिस क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, अभी ये थोड़ा कम ही टाइम मिलेगा, थोड़ा दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा हमको, टाइमिंग्स भी एडजस्ट, इससे आगे भी नहीं जा सकते, इससे पीछे भी नहीं आ सकते, टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, उसके बाद जैसे ही मगरिब आगे बढ़ी थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं, हम देखेंगे। हेलो, दुआ कर लें अकबाल, जल्दी मगरिब की अजान भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم। या अल्लाह तो कबूल कर दे, या अल्लाह पाक इसमें जो गलतियां हुई उसको माफ फरमा दे, हमारे लिए इसका फहम आसान कर दे, इसको याद रखना, फिर अमल करना हमें तौफीक दे, और तो अपनी बारगाह में कबूल कर, और जो गलतियां हैं उसको तो माफ़ फरमा, और सबको अजर अजीम नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ये बोलो हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। I'm sorry. सर प्लीज कल का अभी आप अनाउंस भी कर दें टाइम, मैं कल वैसे रिमाइंडर डालूंगी, लेकिन अभी सब हैं तो वो आफ्टरनून क्लास इंस्टेड ऑफ 10 o'clock वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 12:30 इंशाल्लाह,
और इंडिया वालों के लिए कोई टाइम चेंज नहीं होगा, उनका जो टाइम है वही रहेगा। ये क्लास के लिए इंडिया का भी टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन आफ्टरनून क्लास यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं उनके लिए 1 घंटा आगे बढ़ी है, बजाय 10 के 11 बजे से 12:30 बजे तक क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये एक आयत और इसके बाद की एक आयत प्लीज़ थोड़ा सा देख के आइए, ताकि बेहतर ये होगा कि आप खुद भी कुछ सवाल करें, कोई चीज़ अपने से बयान भी कर रहे हैं लेकिन बग़ैर मेरे पूछे के भी कोई ना कोई रेडी हो के वो उसको पूरा कर सकते हैं, तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। चलिए आखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।